हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था और मुझे करनी थी आज हेयर ऑयलिंग, तो मैं आज दो तीन ऑयल को मिक्स करके हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, उसके बाद मैं ये कलौंजी ऑयल उसमें ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। और ये जो दोनों ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, ओरिजिन्स के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल और केमिकल फ्री है, इसीलिए मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे मतलब इससे बाल ख़राब होगी या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा इससे, क्योंकि ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बने हैं और फ्री है इसीलिए। और ये जो कैस्टर ऑयल है वो आप नेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब नेल ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आपके स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आपके हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल और कलौंजी ऑयल ये बहुत अच्छा होता है आपके हेयर के लिए। इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी फास्ट होती है और आपके हेयर प्रॉब्लम्स भी दूर होते हैं, जैसे कि आपके बालों का झड़ना, आपके बालों में डैंड्रफ होना या स्प्लिट एंड्स होना, तो ये सारे प्रॉब्लम इससे दूर होते हैं। इसीलिए मैं इन तीनों ऑयल्स को मिक्स करके हफ्ते में एक बार लगा लेती हूँ। कैस्टर ऑयल आपके हेयर के लिए तो अच्छा है ही, उसके साथ साथ आपके स्किन के लिए और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है और नेल ग्रोथ भी होती है, तो कैस्टर ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको कैस्टर ऑयल के फायदे जानने हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। हेयर ऑयलिंग मेरी हो गई है, अब मैं कुछ फेस के लिए करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार फेस के वगैरह के लिए कुछ करने का और हेयर के लिए कुछ करने का, तो इसीलिए आज सोच लिया कि चलो फेस के लिए और हेयर के लिए कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो फेस पैक वगैरह भी अप्लाई कर लेती हूँ, जब तक ऑयल अपना जड़ों तक नहीं पहुँचता है तब तक फेस पैक अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ये ओरिजिन्स की मुल्तानी मिट्टी ली है, और ये ओरिजिन्स का ही रोज़ पेटल पाउडर है, और उसमें मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, और इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और ये फेस अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो ये फेस पैक भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना ओरिजिन्स के, मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, इसलिए आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो इसे यूज़ कर सकते हो, आपको सूट करेंगे ये। और इसमें केमिकल नहीं है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो इसे यूज़ कर सकते हो। और वैसे भी केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं ना, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। वैसे इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, दोनों ऑयल का भी और दोनों फेस पैक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया है और हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, तो ऐसा ही सुबह का भागदौड़ होती है मेरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूध भी रखा है, उधर ब्रेकफास्ट भी बन रहा है और चाय बनाने के लिए भी उधर तैयारी चल रही है, मतलब जो पतीला है चाय का वहाँ पर भी सब कुछ डाल दे रही हूँ, मतलब यहाँ पर दूध गर्म जब हो जाएगा तब मैं इधर चाय भी चढ़ा दूँगी। और आप लोगों को शायद मैंने बताया या नहीं बताया है पता नहीं, क्योंकि इनको ना चाय मतलब जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है, मतलब लास्ट वाला स्पून लेते हैं ये, वैसे ही उनको हाथ में चाय चाहिए, मतलब प्लेट भी नहीं नीचे रखते हैं, वैसे ही उनको हाथ में चाय चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाय ही रखनी पड़ती है, जैसे ही ब्रेकफास्ट उनको दे देती हूँ वैसे ही मुझे चाय रखनी पड़ती है, इसीलिए मैं चाय की तैयारी साथ साथ ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा, और आप लोग अभी भी बोलोगे कि यार आपके घर में पोहा ही बनता है क्या, क्योंकि जब भी पोहा बनता है मुझे पता नहीं यार, मैं उसी टाइम शूट कर लेती हूँ, और जब दूसरा बनता है कुछ तो उस टाइम शूट नहीं करती हूँ ब्रेकफास्ट का, तो ज़्यादातर तो मेरे घर पर पोहा ही बनता है, और महाराष्ट्रन फैमिली में ज़्यादातर पोहा ही बनता है यार, पोहा फेवरेट होता है हमारा। और इनको ड्यूटी जाना था इसी वजह से सारा कुछ फास्ट फास्ट चल रहा था, और थोड़ा सा ज़्यादा ही चाय बन रही थी, क्योंकि जो काम करने के लिए आते हैं उनको भी चाय देनी पड़ती है सुबह सुबह, थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेती हूँ। अभी ये ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी चले जाएंगे, उसके बाद मेरी लंच की तैयारी होगी, उससे पहले मैं उनको मतलब जो काम करने के लिए आते हैं उनको देखती हूँ, मतलब जो कुछ पूछते हैं वो उनको आंसर कर देती हूँ, जो जो बताना होता है वो बता देती हूँ, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए अनार के दाने निकाल रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी ईजी ट्रिक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले इसको ऊपर से काट लेना है जैसे मैंने काटा है, और उसके बाद ये जो मतलब किनारे किनारे होते हैं उसको इस तरह से कट लगा लेना है, उसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो इस तरह से ओपन होगा, और उसके बाद ना ये अंदर का जो छिलका होता है मतलब इसका, ये इजीली निकल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इजीली निकल गया है ये।
उसके बाद आपको इसे उल्टा करके इसको चाकू के पीछे की हिस्से से ऐसे मारना है और इसके दाने बहुत जल्दी निकल जाएंगे इसकी वजह से। और जिन जिन को आलस आता है जैसे अनार के दाने निकालने में और उसकी वजह से वो नहीं खाते हैं अनार, तो इस तरह से निकाल के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा मतलब दाने निकालने में, और आप आलस नहीं करोगे इस काम से और आप अनार खाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरह से आप निकाल लीजिए और बस आप देख सकते हो 2 मिनट से भी कम में ये अनार के दाने निकल गए हैं। और वैसे अगर निकालने जाते हम लोग अनार के दाने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको भी पता है, इसीलिए आप लोग नहीं खाते होंगे अनार। तो इस तरह से अगर आपको बच्चों को देना है या बहुत जल्दी जल्दी काम करना है आपको, तो इस तरह से निकाल लीजिए, आपको बहुत ईजी जाएगा। बस निकल गया है, आप देख सकते हो। अद्वी और माही देखो खाना खा रहे हैं यहाँ पे। अद्वी क्या खा रहे हो? वरण भात मंस दाल चावल है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर रहना पड़ रहा है, मतलब इस वाली छोटी सी रूम में, इतना बड़ा घर होके भी इतनी छोटी सी रूम में हमें एक जगह पर ही रहना पड़ रहा है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ इस वाले रूम का झलक, थोड़े से आप देख लीजिए। यहाँ पर पिलोज रखे हैं, वो जो सोफे वाले हैं वो, और ऐसे कुछ सामान रखा है ऊपर सज्जे पे, और नीचे यहाँ पर माही ऑनलाइन क्लासेस लेती है, और ये बेड है, इस पे ही हम लोग सोते हैं और नीचे गद्दा डाल देते हैं, यहाँ पर सोते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वो बेड छोटा है इसीलिए, और ये वॉल पे कुछ इस तरह से टेक्सचर बनाया है, ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। और ये वाला स्टेंसिल टेक्सचर है, तो क्लोथ से आपको बाद में दिखाऊंगा, मतलब रात को बहुत ज़्यादा चमकता है ये, अभी दिन का टाइम है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, बट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी इस रूम की झलक आप देख लीजिए, बाद में होम टूर के साथ इस रूम का भी टूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप दिखाओ माही क्या क्या बनाया है खाने में। सब्जी, बैगन की सब्जी बनाई है, वो भी मसाले वाली, और अभी रेसिपी तो कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, बट जल्दी ही ये सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद जल्दी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कल की सब्जी बची थी, ग्रीन वाली, मतलब वो पत्ते वाली सब्जी होती है, तो उसके मैंने पराठे बनाए हैं और रोटी है, तो पराठे दो माही उसको, पराठा खाने का मन कर रहा है उसे। तो इस तरह से ये वाली रूम है अभी, और जहाँ पर मैं बैठी हूँ वहाँ पर सोफ़ा रखा है। तो एक्चुअली इस रूम का टूर मैं बाद में दूंगी, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं दिखाती जाऊँ क्या, तो कुछ लोगों ने बोला कि सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा आप अगर बीच बीच में दिखाती जाऊँगी, तो डायरेक्ट होम टूर दिखाना, मतलब सस्पेंस बना के रखना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सस्पेंस बना के रखूँ। तो आप फिलहाल इस रूम को थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, तो ये वाली बाथरूम में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है और थोड़ा सा सामान ज़्यादा ही पड़ा है यहाँ पे, एक्चुअली पूरा काम नहीं हुआ है इसीलिए बाथरूम भी क्लीन नहीं है, तो थोड़ा सा मेस तो दिखेगा ही यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और मैं दिखा देती हूँ आपको। बस इस तरह से ये बाथरूम है, यहाँ पर कुछ सामान रखा है हमने, बस अभी अभी का यूज़ करने का सामान है, और इस तरह से ये बाथरूम का टूर मैंने दे दिया आपको, मेसी बाथरूम का टूर। और यहाँ पर ये भी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर हम लोगों ने गद्दे रखे हैं, यहाँ पर ये स्टैंड रखा है, और वर्कआउट के लिए यहाँ पे साइकिल रखी है, उसके बाद यहाँ पर ये सोफ़ा है। तो बच्चों ने अभी भी ये खाया था अनार के दाने, तो ये कटोरिया यहाँ पर पड़ी है, बस ये है, और यहाँ पर हम लोगों को खाना पड़ता है। तो बस ये मेरी प्लेट है, अभी मैं खाना खा लूँगी और बस थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। और माही को ना अचानक से शाम को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, और बोल रही थी कि मुझे आज पानी पूरी ही खानी है, तो उसके पापा ने ये पानी पूरी का पैकेट ला के दिया था, और मैंने घर पे ये पानी बनाया था, तो पानी और आलू बॉईल कर लिए थे, उसमें प्याज काट के डाल दिए थे, और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसीलिए मैंने आज शेयर नहीं की रेसिपी वगैरह पानी की।
अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। कभी अगर इन्होंने पूरिया वगैरह लाई तो मुझे अगर पानी बनाने का काम पड़ा घर पे तो मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पानी की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बस पानी पूरी इन्जॉय करते हैं, पानी पूरी से ही पेट भरने वाला है आज, खाना तो हम लोग नहीं खाएँगे और यही खाना खाने वाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पूरी नहीं खाते हैं, एक दो बस खा लेते हैं उसके बाद ये इनको खाना ही चाहिए। हम लोग बाहर भी कभी खाने के लिए जाते हैं ना तो वो पानी पूरी ज़्यादा खाते नहीं है, बट हमारी तो फेवरेट है यार पानी पूरी। और किस किस की पानी पूरी फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। राजवीक भी जब भी पानी पूरी खाता है ना उसको पानी के साथ ही चाहिए, तो वो पानी के साथ ही मांगता है। मतलब माही तो भी कभी कभी खटाई के साथ खा लेती है, इसको तो वो ग्रीन वाले पानी के साथ ही चाहिए। तो चलिए अभी पानी पूरी एंजॉय करते हैं और ये इनका खाना खाएंगे। एक्चुअली ये नहाने गए थे, सारा काम खत्म हो गया था तो ये नहाने चले गए थे और हम लोग पानी पूरी खाने बैठ गए थे क्योंकि हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर इसके बाद हम लोग नहाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर टाइप कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। Till then, bye bye, take care and love you all.